फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में फिंगर पैटर्न कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है वीडियो की पूरी जानकारी लें, लेकिन ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर लाइक तो आई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको ऑप्शन देखना रहता है फ़ोन में सेटिंग, सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको लॉक स्क्रीन पासवर्ड, फेस लॉक, फिंगर लॉक, तो हम अपने फोन में फिंगर पैटर्न लगाने के लिए फिंगर लॉक पे क्लिक कर लेना है। जो यहाँ पर पैटर्न लगा रखा है आपको एंटर कर लेना है। यहाँ से आपको अपने फिंगर लगाना है, यहाँ पर आपको फिंगर लगाना है, रिमूव करना है। यहाँ पर हाँ फोन में फिंगर हमारा काफ़ी अच्छे से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में डन का, तो इस प्रकार आपको फिंगर लगाना है अच्छे से, तो आपका फिंगर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा डन का, तो आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देखिए फिर यहाँ पर हमारे फोन में काफ़ी अच्छे से फिंगर हमारा ऐड हो चुका है। डन पे क्लिक करेंगे यहाँ से हमारे फोन में फिंगर पैटर्न जो है ऐड हो चुका है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड ए फिंगर। इसके आप अपने फोन में किसी अदर व्यक्ति का फिंगर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज करेंगे, और बन फिंगर से आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने फोन में फिंगर पैटर्न ऐड करेंगे। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।